तक बताए गए। ये गर्भाधान संस्कार जो कि राजस्थान की वेशभूषाओं के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया। गर्भाधान संस्कार का महत्व होता है कि एक सुसंतान प्राप्ति, एक सर्वश्रेष्ठ गुणवान संस्कारों वाली संतान के लिए पति पत्नी तो दुनुकुल प्रयत्न करते हैं कि हमें एक अच्छे संस्कारों वाली संतान प्राप्त हो। और वह संस्कारों वाली संतान को कब प्राप्त कर पाते हैं, जब वो खुद भी संस्कारों वाले होते हैं। इसके लिए उनको खुद को सुसभ्य और सुस्कृत होना चाहिए। अगला है पुंसवंश संस्कार, जो कर्नाटक की वेशभूषाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। पुंसवंश का अर्थ पुंसत्व, यानी कि जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसके शरीर का विकास है। तो यह संस्कार तीसरे से चौथे माह में किया जाता है। इसमें गर्भिणी को कुछ ऐसी औषधियाँ होती है, जैसे वटवृक्ष की जड़े, जठा, पत्तियाँ, जो वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ सुंगाने का निर्देश दिया है, जिससे उसे गर्भ का और जो गर्भ में पल रहा है शिशु, उसका विकास सही से होने लगता है। ये सीमंतो उन्नयन संस्कार है, जो हिमाचल प्रदेश का लुक दिया गया। सीमंतो उन्नयन का अर्थ होता है मस्तिष्क की उन्नति हेतु किया जाता है यह संस्कार। इसमें गर्भिणी को कुछ पौष्टिक आहार खिलाए जाते हैं, अच्छा अच्छा भोजन कराया जाता है, ताकि वह जितना अच्छा भोजन ग्रहण करती है उतनी अच्छी मस्तिष्क से तेज और प्रखर बुद्धि वाली संतान प्राप्त होती है। ये जातकर्म संस्कार है, जो पंजाब की वेशभूषाओं के माध्यम से बताया गया। जातकर्म संस्कार, जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद पिता एक सोने की शलाका को शहद में डुबोकर उसकी जीवा पर ओम लिखते हैं, ताकि वो ओम का जीवन भर उच्चारण कर सके, क्योंकि ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ और निज नाम होता है। बाकी तो उन्हें को नाम है, लेकिन मुख्य और निज नाम वो है ओम, और ओम का जीवन में बहुत ही महत्व होता है। ये नामकरण संस्कार है, जो महाराष्ट्र का लोक दिया गया। नामकरण में कोई विचित्र नाम न रखकर हमेशा सुंदर, सार्थक, सरल शब्दों में नाम रखें जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, जिससे उसे समाजजन में, मित्रों में आदर मिले, प्रेरणा मिले, वो खुद भी अपने नाम से उत्प्रेरित हो जाए। ये निष्क्रमण संस्कार है, निष्क्रमण संस्कार में पहली बार घर से बाहर निकालते प्रकृति से मिलाप है, तो उसका स्वास्थ्य अनुकूल समय देखकर, तो प्रातः के समय सूर्य दर्शन करवाते हैं, रात्रि के समय चंद्र दर्शन करवाते हैं, और कुछ वेद मंत्रों के साथ प्रभु से कल्याण की प्रार्थना करते हैं कि हमारे शिशु का स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा बना रहे। ये अन्नप्राशन संस्कार है, जो केरल की वेशभूषाओं के माध्यम से बताया गया। अन्नप्राशन संस्कार में पहली बार भोजन कराया जाता है, वह सह माह तक तो माता का स्तनपान करता है, लेकिन जब सह माह के बाद उसे भोजन की आवश्यकता होती है, तब उसे भोजन के साथ साथ घी, शहद, दही आदि मिश्रण करके पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, जिससे वह तेजस्वी और ओजस्वी बन सकें। चूड़ाकरण संस्कार है, जो जम्मू कश्मीर की वेशभूषाओं के माध्यम से बताया गया। चूड़ाकरण संस्कार, जो बालक के जन्म के जो कोमल बाल होते हैं, जो उसे मस्तिष्क की रक्षा कर होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद भारीपन का कार्य करने लग जाते हैं। जब बालक के दांत आने शुरू हो जाते हैं, तब उसका स्वभाव चिड़चिड़ापन का हो जाता है, इसलिए इन बालों को काटना अति आवश्यक होता है। इन बालों को काटने से उसे मस्तिष्क का विकास भी सही तरह से होने लगता है, और नए बाल भी तेजी से आने शुरू होते हैं। ये कर्णवेद संस्कार है, जो कि कुछ लोग कान छिदवाने का अर्थ केवल आभूषण पहनने से ही लेते हैं, लेकिन चल के रह गए। आचार्य सुश्रुत जी ने बताया कि कान में विशेष नाड़ी होती है, अगर उस स्थान पर जो वेद्य होते हैं उनको पता होता है, उनके द्वारा अगर कान में सेद किया जाए तो हर्निया नामक रोग आजीवन बरनी होता है, और ऐसी कई प्रकार की और भी बीमारियां नहीं होती, ऐसा बताया आचार्य सुश्रुत जी ने। ये उपनयन संस्कार है, उपनयन का अर्थ होता है समीप ले जाना। जब बालक बालिका 5 से 8 वर्ष हो जाते हैं, तब उन्हें उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो उन्हें गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ पर बालक और बालिका दोनों का यज्ञोपवीत जनुधारण संस्कार कराया जाता है, जो कि विद्या का प्रतीक माना है, जिसमें 3 धागे होते हैं जो 3 ऋणों को दर्शाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अगर उन ऋणों से ऋण होना है तो ज्ञान का अर्जन करना भी आवश्यक है। ये वेदारम्भ संस्कार है, वेदारम्भ संस्कार में जब शिष्य गुरुकुल में आ जाता है तो उसकी शिक्षा का आरंभ हो जाता है, तो गुरु उसे वेदों का ज्ञान कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी परिपूर्ण करते हैं। लाइ क्षमावर्तन, क्षमावर्तन में जब शिक्षक उम्र जाती है गृहस्थी और प्रस्थान करते हैं, तो गुरु सभी को समान वातावरण होते हुए समान 4 वर्ण बताते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ना कोई जातिगत बताए, जाति तो केवल एक ही बताए ईश्वर ने, मनुष्य जाति, लेकिन वर्ण 4 बताए कर्म के आधार पर, योग्यता के अनुसार कि किसने किस क्षेत्र में योग्यता रखी है, उस क्षेत्र में ये परिपूर्ण हुए। ये विवाह संस्कार जो पश्चिम बंगाल की वेशभूषाओं के माध्यम से बताया गया। विवाह का उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का पालन करना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, उन धर्मों की पालना करते हुए गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। ये वानप्रस्थ में जब व्यक्ति को अपने लिए करके कुछ दूसरों के प्रति कार्य करने की बारी आती है, तब वह वन में चले जाते हैं, वन में रहने वाले बालकों को शिक्षा देते हैं, वही छोटा सा गुरुकुल बना लेते हैं, वही वानप्रस्थ संस्कार कहलाता है। ये संन्यास संस्कार, संन्यास में व्यक्ति किसी भी अवस्था में मोह, माया, लोभ आदि एकत्व उम्मत भावों को त्याग कर केवल ईश्वर की उपासना और विश्व कल्याण, मानव कल्याण हेतु कार्य करता है,
सन्यासी का अर्थ होता है न तो वो किसी का खास बनकर रहता है न किसी को खास अपना बना कर रखता है, जो सभी को समान रखता है, विश्व कल्याण मानव कल्याण हेतु कार्य करता है। ये अंत्येष्टि संस्कार है जो व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है अपने वैदिक संपदा के अनुसार उसका दाह संस्कार करना उचित माना है। ये महिला बताएगी जो कहते थे कि महिलाएं तो दाह संस्कार पर नहीं जाती है, लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में बताया कि सर जिस ग्रंथ में भी नहीं लिखा गया है कि महिलाएं दाह संस्कार पर नहीं जाते, महिलाओं का भी अधिकार होता है, लेकिन माना है कि कुछ एक महिलाओं का हृदय क्या होता है कि काफ़ी कोमल होता है, जैसे किसी के परिवारजन में मृत्यु होगी तो महिला उस दाह संस्कार के दृश्य को सहन नहीं कर पाती, उनमें इतनी सहन शक्ति नहीं होती, इसके कारण महिलाएं नहीं जाती बल्कि महिलाओं का भी अधिकार है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना है कि प्रत्येक दाह संस्कार पर जो दाह संस्कार के समय लकड़ियां उपयोग में लेती उनके बदले परिवारजन या परिवारजन हो तो समाजजन का कर्तव्य बनता है कि तीन पेड़ अवश्य लगाना चाहिए जिसे अपने प्रकृति में फिर से शुद्धिकरण बना रहा है। धन्यवाद। आइए एक बार आप आर्ट गैलरी देख लीजिए, फिर आपको मैं